फ्रेंड्स, मैं दिस साइड आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं सिट डाउन वीडियो करने जा रही हूँ। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, जैसे मेरा भी अभी चैनल ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, उसमें सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जस्ट यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट ही की, लाइक 100 फॉलोअर्स भी नहीं हुए तो उसके बाद वो हड़बड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली वीडियो पोस्ट करना है। धीरे धीरे यूट्यूब आपके एक वीडियो को वायरल करेगा, जब उसका लगेगा तब तक आपको अच्छे वाले कंटेंट, अच्छी क्लियरिटी वाले कंटेंट डालने हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प होगी आपकी यूट्यूब की जर्नी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो मैंने थोड़े थोड़े पार्ट में डाला है। तो सबसे पहला पार्ट ऐसा है जिसके अंदर आपको आता है गैजेट्स। जैसे आपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की तो आप फटाफट से, आपको ना तो कैमरा लेके जाना है, ना ट्राइपॉड लेना है, ना लाइट्स लेनी, कुछ भी नहीं करना है, या बड़े बड़े खर्चे आपको कुछ नहीं करने, क्योंकि जिन यूट्यूबर को देख के आप इन्फ्लुएंस होते हो, जिनको देख के आपको लगता है कि आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, बट उनकी जर्नी के काफी साल लग चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने बस स्टार्ट किया, सब कुछ ले लिया और उनकी चैनल ग्रोथ हो गई। उनको भी 4 साल 5 साल 3 साल 10 साल लग जाते हैं। किसके किस तरह से चैनल ग्रोथ होती है वो डिपेंड होता है उनकी कंसिस्टेंसी, कंटेंट, और यूट्यूब भी उनको कितना हेल्प करता है वायरल करने में। तो सबसे पहला ऐसा है कि आपको गैजेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको लगता है कि आपको यूट्यूब स्टार्ट करने बट आपको गैजेट में डालना है तो आपका बजट होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 2000 के अंदर आपकी रिंग लाइट आ जाएगी और एक छोटा सा मोबाइल या कैमरा का ट्राइपॉड आ जाएगा। अगर आपके पास अच्छा एंड्रॉयड फोन है, आईफोन है, आपको कैमरा लेने की जरूरत नहीं है। आपको 4K क्वालिटी में आप वीडियो बना सकते हो और वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हो। तो इसमें आपको इतना ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएगा कि आपको हाई क्वालिटी वाले कैमराज लेने चाहिए। आपको इनिशियली क्या करना है कि अच्छा कॉन्टेंट बनाना है, अच्छा थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है और थंबनेल चाहिए। तो उसके लिए गैजेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। 2000 में आपका रिंग लाइट और छोटा सा ट्राइपॉड आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2000 में कैसे आता है, मैं दोनों की लिंक डाल दूंगी। मैं जिसके ऊपर से, जो भी ट्राइपॉड के ऊपर से सूट कर रही हूँ, वो भी आपको इधर फोटो में दिख जाएगा, ताकि आपको अगर ऐसा कुछ लेना है तो ले सकते हो। बहुत हैंडी होता है आपका फोन, उसमें आराम से रख के आप कहीं पे भी सूट कर सकते हो, आपके पर्स में भी आ जाएगा, आप इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। ये हो गया। और रिंग लाइट आपको लगती है आपको सिट डाउन वीडियो करने है, जैसे मेरी ऑफिस है यहाँ पे सनलाइट नहीं आती तो मुझे रिंग लाइट की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपकी जो ऑफिस है, आपका घर है, जहां पे भी आप सूट कर रहे हो वहां पे सनलाइट आती है तो आपको कोई जरूरत नहीं इनिशियल लेवल पे सनलाइट रिंग लाइट लेने की। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में ऐसा आता है कि जैसे आपने स्टार्ट कर दिया कि हमने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर दी, बट सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि जर्नी स्टार्ट करने के बाद हमें ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बहुत काम है, क्योंकि किसी ने जॉब के साथ जर्नी स्टार्ट की, किसी कोई हाउसवाइफ है, किसी ने बच्चे के साथ, किसी ने कुछ फ्रीलांसिंग के साथ ये जर्नी स्टार्ट की है। तो दूसरे यूट्यूबर्स को देख के या फिर दूसरे जो भी है उन सभी को देख के आपको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने, उनके पास टीम है, उनके पास मैनेजर्स है, वीडियो एडिटर्स है, फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर, सब कुछ है, तो मुझे भी सबकी जरूरत होगी तभी मेरी चैनल ग्रोथ करेगी। ऐसा कभी नहीं होता है। इनिशियली आपको छोटे छोटे पार्ट में आपका वीडियो ऐड करना है, वीडियो को शूट करना है, आप फैमिली मेंबर की हेल्प ले लो, टीम की हेल्प ले लो, हस्बैंड की हेल्प ले लो, वो सारी चीज लेके आपको क्या करना है, इनिशियली आप आपका शूट करना स्टार्ट कर दो। ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना है तो आजकल तो बहुत सारे AI टूल है जिनके साथ आप बहुत अच्छे से मेल लिख के उनको डाल सकते हो। अगर आपको एडवांस में डालने हैं तो जीमेल में भी काफी अच्छे फीचर्स होते हैं, जिनका शेड्यूल्स मेल होता है वो उसी टाइम पे शेड्यूलिंग आप पूरे मंथ का रख दो वो भी चला जाएगा। आपकी पोस्ट वगैरह शेड्यूल करनी है तो कैनवा में भी बहुत सारे अच्छे फीचर है जहां पे आपकी हर पोस्ट एडवांस में शेड्यूल हो जाती है। बात रही वीडियो की, वीडियो आप पूरे मंथ के एक बार शूट कर दो, एडिट करके यूट्यूब पे उसको भी शेड्यूल कर दो, जो जो डेट पे जिस तरह से होगा वो अपने आप शेड्यूलिंग में पोस्ट हो जाएगा। तो आपको इनिशियल लेवल की भी टीम की जरूरत ही नहीं है, आप खुद पहले समझो कि किस तरह से है। बिकॉज ऑफ जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आर खत्म नहीं होते तब तक यूट्यूब भी आपको मोनेटाइज का ऑप्शन नहीं देगा। ना तो आपकी चैनल मोनेटाइज होगी, ना तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप जो भी हायर करोगे टीम को, वो उनको पैसे कैसे दोगे? चलो आपने हायर भी कर दिया बट आपके ऊपर ये सूट से लेके जो भी क्रिएटिविटी सब साइड में रह जाएगी, आपको उनको पे करने का आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। तो आपका जो भी जो माइंडसेट होता है, आप जिस माइंडसेट से स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस के आप पूरा वीडियो का कंटेंट लिखते हो, शूट करते हो, एडिट करते हो, उस टाइम के दौरान आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि जिस टीम को मैंने हायर किया है उनका मैं पैसे कहां से निकालूंगी? अभी तो मुझे यूट्यूब ने कुछ अर्न करके दिया ही नहीं है, तो किस तरह से मैं उनको पैसा दूंगी?
तो हर एक स्टेज पे ये प्रॉब्लम आती ही है कि टीम को पैसे किस तरह से दे, विदाउट अर्निंग किसी को हम पे किस तरह से दे। तो ये मेरे सेकेंड स्टेज में आपको वही एक्सप्लेन करना था कि बिना टीम से पहले खुद सीखो, थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, उसमें काफी अच्छे अच्छे टूल होते हैं, काफी फिल्मोरा पे ऐड कर सकते हो आप, थंबनेल बनाने आप कैनवा का यूज करो, फोटोशॉप का यूज करो, कोरल का यूज करो, आपको जो अच्छा लगता है, AI टूल भी काफी अच्छे होते हैं, आप उन पे जाओ, आप खुद ही हर चीज पहले स्टार्टिंग से एंड प्रोसेस समझो। कभी कभी टीम होने के बाद भी आपको काफी काम करना पड़ेगा, बिकॉज हर टाइम हर एक सेकेंड पे आपके पास टीम नहीं होगी। तो पहले आप पूरी जर्नी को थरली समझो कि क्या क्या फेजेस होते हैं, उसमें कितने चैलेंजेस आते हैं, ताकि आपकी डिपेंडेंसी ना हो। अगर कोई नहीं होता है दैट टाइम आप पूरा का पूरा एंड टू एंड प्रोसेस कर पाओ तक शेड्यूलिंग तक और आपका वीडियो पब्लिश कर पाओ। तो ये था मेरा सेकेंड वाला स्टेज। अभी मैं आपको थर्ड फेज बता रही हूँ जो हमारा लास्ट रहेगा। आपको ये जर्नी स्टार्ट कर दी आपने, मैंने आपको दो स्टेज में आपको बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, और थर्ड बता रही हूँ कि आपकी 100% डिपेंडेंसी AI टूल पे नहीं होनी चाहिए। नाउअडेज बहुत सारे वीडियोस एडिटिंग टूल आते हैं और बहुत सारी AI के एप्लीकेशन आते हैं जहां पर डिजाइनिंग वगैरह करना होता है, बट आपको 100% डिपेंड नहीं रहना है। आपको काफी अच्छी स्किल भी सीखनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि कैनवा है, फोटोशॉप है, ये दोनों चीज ऐसी है, दोनों स्किल ये टूल आप दोनों सीख जाओ, ताकि आपका काफी काम थंबनेल डिजाइनिंग का अच्छा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ काफी AI टूल में उनके वाटरमार्क आते हैं, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि बनाने में जितना टाइम नहीं लेता उतना उसका वाटरमार्क निकालने के लिए टाइम लगता है, तो आपकी डबल मेहनत हो जाएगी। सो AI टूल पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको उसके साथ स्किल सीखनी रहेगी, और उसके बाद आपको हर वीडियो के बाद बैठ के देखना है कि आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है, आपके लास्ट वीडियो में आपने क्या क्या गलती की है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या गलती नहीं करनी है, ताकि आप और से और अच्छा वीडियो कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाओ, यूट्यूब पे डालो, और यूट्यूब कभी ना कभी आपके एक वीडियो को वायरल करेगा, जैसे आपकी चैनल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं हूँ मयूरी साइनिंग ऑफ। और हाँ, आपको अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।